हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्निकल टॉक्स के नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों ऐसा लग रहा है भारत सरकार बिल्कुल चाइना पे डिजिटल स्ट्राइक पे स्ट्राइक करे जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे वापस से 43 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया और बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन भी इसमें शामिल है। तो आखिर कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है, डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, ज्यादा था शेयर करना, और चैनल टेक्निकल टॉक्स पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, पास में जो घंटी का निशान उसको दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर से 43 चाइनीज एप्लीकेशन को यहाँ पे ITX 69A के तहत वापस से बैन कर दिया और काफी सारी पॉपुलर एप्लीकेशन यहाँ पे है। मैंने एक महीने पहले, दो महीने पहले यहाँ पे बता दिया था कि अब जो नंबर आने वाला है इन एप्लीकेशन का आ सकता है, और हुआ भी ऐसा, इन एप्लीकेशन का नंबर आ गया। काफी ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन, बात करें अली एक्सप्रेस, स्नैक वीडियो, तो कितनी ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है जिनको यहाँ पे बैन किया गया है। यहाँ पे डेटा प्राइवेसी को देखते इनको बैन किया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन सी, तो इसका भी नंबर तो आना ही था। इसके अलावा कैम कार्ड, कैम कार्ड BCR, सोल, इसके अलावा चाइनीज सोशल, डेट इन एशिया, वी डेट, डेटिंग एप्लीकेशन जो फेमस थी वो, इसके अलावा काफी सारी ट्यूली चाइनीज, तो पूरी लिस्ट है ये, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इन सबको आपको दिख भी रहा होगा। ये सारी की सारी एप्लीकेशन वीवर्क चाइना, ट्यूबिट, इसके अलावा फ्लटविश, एशियन डेट, मैंगो टीवी, वी टीवी लाइट, टोटल यहाँ पे 43 एप्लीकेशन है जिनको यहाँ पे सबको बैन कर दिया गया है। और सारा डेटा प्राइवेसी को लेकर यहाँ बैन कर दिया, डेटा कहीं ना कहीं लीक हो रहा था इसको लेकर यहाँ पे बैन किया गया है। तो स्नैक वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर थी, अलीबाबा को भी यहाँ पे झटका लगा है, अली एक्सप्रेस को यहाँ पे बैन कर दिया गया। तो काफी सारी एप्लीकेशन है, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी सारी चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया, ये तो आप सब जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफी सारी एप्लीकेशन को ऑलरेडी बैन कर दिया गया था जो चाइनीज एप्लीकेशन थी। 29 जून की बात करें 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई थी। उसके अलावा बात करें यहाँ पे 2 सितंबर को तो 118 चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई थी। इस तरह से तीसरी चौथी बार यहाँ पे बैन किया गया है टिकटॉक वगैरह, UC ब्राउजर, कैम स्कैनर, तो काफी ज्यादा पॉपुलर PUBG जो मोबाइल है उसको भी यहाँ पे बैन कर दिया गया था। खैर उसके तो वापसी की काफी ज्यादा चांसेस है, अगर बात करें PUBG मोबाइल इंडिया की तो काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पे है क्योंकि जल्दी देखने को मिल जाएगी ऑलरेडी रजिस्टर्ड वो हो चुकी है PUBG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे हो चुकी है और आपको जल्दी होना हो वो देखने को वापस मिलेगी। PUBG कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे क्राफ्टन INC के साथ में मिलके पूरी लगभग तैयारियां कर ली है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में जो मीटिंग थी वो भी हो चुकी है। अब यहाँ पे न्यूज यही निकल के रही है जल्दी आपको PUBG वापस देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पे काफी सारे PUBG लवर्स भी हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप PUBG लवर है, आप भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे PUBG का वापस आने का। इसके अलावा आपका क्या कहना है इन एप्लीकेशन के बारे में, क्या आप स्नैक वीडियो या अली एक्सप्रेस इस तरह की एप्लीकेशन यूज करते थे, आपको जो भी कहना है वो नीचे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और ज्यादा से शेयर करना, और चैनल टेक्निकल टॉक्स पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, पास में जो घंटी का निशान उसको दबा दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।